अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ युष्मिन जमाल और आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत सारी खबरें हैं हमारे पास। जो सेंटर का पहला इजलास है उसको लेकर भी, पंजाब के अंदर जो कैबिनेट बनने जा रही है क्या सूरत हाल होगी, आज के दिन के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। असद अली तूर साहब की अरेस्ट, उसको लेकर मीडिया कम्युनिटी का एहतजाज, उस पर भी बात करेंगे। जो असद तूर साहब ने अदालत में पेश होने से पहले गुफ्तगू की, अदालत में गुफ्तगू की कुछ, उसके हवाले से भी बात करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बहुत एक, हम देख रहे हैं कि सुबह 7 बजे चीफ मिनिस्टर पंजाब जो हैं वो ऑफिस में थी, उसके बाद पूरा दिन जो है वो जिस तरीके से उन्होंने काम किया, 1:05 पे सरप्राइज कॉल करके उनका रेस्क्यू टाइम चेक किया, तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी एक हैंड्स ऑन इस वक्त सिचुएशन के अंदर है, तो उस पर भी बात करेंगे। और कैबिनेट में कौन कौन हो सकता है वो भी आपको आज के इस व्लॉग में बताएंगे। इससे पहले असद तूर साहब की जो अरेस्ट का मामला है वो बहुत, एक बात मैं यहाँ ज़रूर कहना चाहती हूँ कि असद तूर साहब जो है वो उस तरह के सहाफ़ी साबित हुए कि जो माजी में जो गवर्नमेंट थी उनके भी ख़िलाफ़ थे, और उस दौर के अंदर भी उन्होंने सख्ती का सामना किया, गिरफ्तारी हुई, उनको मारा पीटा गया, उनका जो भी सारा एक मामला, क्योंकि वो उस वक्त जो बात करते थे वो उस वक्त के हुक्मरानों को पसंद नहीं आती थी। और आज इस दौरे हुकूमत के अंदर, क्योंकि उस वक्त ये कहा जाता था कि ये एक सर्टन पॉलिटिकल पार्टी की लाइन पर चलने वाले हैं या एक मखसूस किस्म की बात करने वाले हैं, बल्कि अगर मौजूदा चीफ जस्टिस की भी बात करें तो जब उनके खिलाफ रेफरेंस मूव हुआ और वो सारा मामला, तो उसमें असद तूर साहब जो है वो बहुत पेश थे, उन्होंने बहुत आगे बढ़ बढ़कर पूरा जो है, मैं तो कहूँगी कि केस फाइट किया सोशल मीडिया के ऊपर काजी फैजीसा साहब का। अब जब वो चीफ जस्टिस हैं, एक पोजिशन ऑफ पावर में है, तो उनके फैसलों को, उनके कंडक्ट को एज सीजे हमने देखा कि तूर साहब जो है वो बहुत आड़े हाथों लेते रहे, बड़ा उस पर तनकीद करते रहे, तो अब भी हम देख रहे हैं कि वो ज़ेरे ताब है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये बैज ऑफ ऑनर है, होता है किसी भी जर्नलिस्ट के लिए, कि अगर जो लोग वो हैं हुक्मरान हैं या ताकतवर हैं, आप उनकी गुड बुक्स में से स्लिप करते नज़र आ रहे हों, उन पर तनकीद करें, और उस तनकीद की वजह से आपको जो है वो कोई ना कोई म्यूज़िक फेस करना पड़े, तो मेरा ख्याल है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो और क्या पैमाना हो सकता है इस बात को देखने का कि वो जानबदार नहीं है। वो जिसको सच समझता है, जो बात उसको सच्ची लगती है, वो वही सच बोलता है, तो या जो बस खबर होती है चाहे वो किसी को भी हर्ट करिए वो वही खबर देता है। तो आज जो है प्रेस क्लब के बाहर सहाफियों ने एहतजाज भी किया, आई वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट बट आई कुडंट, मेरी एक रिकॉर्डिंग थी, लेकिन यह है कि अपना प्रोटेस्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जितना हम करा सकते हैं, रजिस्टर हम करवा रहे हैं, बिकॉज हम यही बात बताना चाहते हैं कि सहाफत जुर्म नहीं है, जर्नलिज्म इज़ नॉट ए क्राइम। आप जो है किसी भी जर्नलिस्ट को किसी इस तरह की बेसलेस बात के ऊपर नहीं उठा के लेके जा सकते, बल्कि अब मुझे तो अभी तक समझ नहीं आ रही कि आप किस बात पर उठा रहे हैं। क्या ट्वीट करते हैं तो किसी को पसंद नहीं आती, किसी के दिल को बुरी लगती है। आप जो है वो किसी सियासतदान को या किसी चीफ जस्टिस को या चीफ जस्टिस के फैसलों को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। आई रियली फेल टू अंडरस्टैंड दैट। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक बात मैंने अपनी ट्विटर पे भी कुछ दिन पहले कही थी, बल्कि कुछ सीनियर और सहाफ़ी भी इस मुल्क के कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि इस मुल्क के अंदर सहाफ़ियों के लिए बुरा वक्त शुरू होने वाला है, तो आई थिंक तूर साहब की गिरफ्तारी जो है वो उस सिलसिले की पहली कड़ी हमें लग रहा है कि हो सकती है। बट आई रियली होप कि ये मसला जो है वो जल्दी ख़त्म हो जाए और तूर साहब को रिहा कर दिया जाए। उन्होंने कहा जी कि मैं, एक तो ये कि उनका मोबाइल का जब कहा गया तो उन्होंने कहा जी कि मैं नहीं दे सकता, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, और जाहिर हमारा पूरा एक नेटवर्किंग और खबर लेना और किसी से बात करना, सोर्सेज से बात करना, सारा जो है वो डिजिटली आजकल इन्हीं फोन्स के थ्रू हो रहा था, तो एक जर्नलिस्ट कैसे अपना मोबाइल फ़ोन जो है वो किसी को दे सकता है। बट उन्होंने ये ज़रूर कहा, उन्होंने कहा जी मुझ पर कोई मारपीट नहीं की गई, मुझ पर कोई मेरे साथ बुरा सलूक नहीं किया गया, मुझे किसी से कोई गिला और कोई शिकायत नहीं, वैसे इतना कहना चाहता हूँ कि थैंक यू चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा ख्याल है कि जो मैसेज है उसके अंदर वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है उनकी बात के अंदर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बड़ी तनकीद है आजकल, कहते हैं जी बड़े वो कंप्लिसिट हैं सारे मामले के अंदर, और वो ऐसा लग रहा है कि स्मूथ सेल करने दे रहे हैं जो लोग भी इस वक्त ओथ्स ले रहे हैं, हुक्मरानी की कोशिश कर रहे हैं, ना हमें सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, ना हमें पार्लियामेंट में एहतजाज करते नजर आ रहे हैं। मरियम नवाज की साहिबा जो हैं वो दफ्तर संभाल चुकी हैं, बल्कि वो तो बड़े तूफानी अंदाज में जो है वो काम कर रही हैं, जो कि बड़ा खुशायंद है। आई रियली हैव टू अप्रिशिएट दैट एंड आई रियली होप एंड प्रे कि वो कंसिस्टेंटली फिर ऐसे ही काम करती भी रहें, क्योंकि आज भी सुबह 7 बजे वो अपने दफ्तर में थी, दिन भर उन्होंने काम किया है, जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज हैं वो आइडेंटिफाई उन्होंने किए हुए हैं, वो उन पर काम करना चाहती हैं, तो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज़ सपोज टू बी। बट असल इम्तिहान ये होगा कि आप कितना उसको जारी रख सकते हैं, क्या उसको मेंटेन कर सकते हैं उस स्पीड को, क्योंकि कुछ लोगों की इस वक्त ये भी बेट्स ऑन है कि शी डजंट हैव इट इन हर, वो शुरू में तो करेंगी मीडिया ऑप्टिक्स के लिए लेकिन शायद कंटिन्यू ना कर सके। ऑल्दो अगर मुझसे कोई मेरी ज़ाती राय पूछे तो मेरा इससे ख्याल बिल्कुल बरक्स है, मुझे लगता है कि जो उनके कंधों पर भारी जिम्मेदारी है शहबाज स्पीड को मीट करने की, वो शायद उस स्पीड से आगे निकल जाए, और हो सकता है कि डाउन द रोड
कुछ अर्से के बाद हम जो है उसको मरियम स्पीड कह रहे हो पंजाब चलाने के लिए, बट ऑफकोर्स टाइम इज गोइंग टू टेल, वो तो वक्त बताएगा कि जो है वो मामला जो है वो क्या हो सकता है। जो कैबिनेट की सूरत हाल बन रही है पंजाब की वो बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि हमें तो उनको सेंटर में देखने की आदत है और हमारा ख्याल था कि वो सेंटर में ही होंगे। अच्छा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मरियम औरंगजेब ने जब ओथ लिया सूबाई असेंबली का तो लोगों का ख्याल था कि मरियम जो है वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर होंगी। मैंने ये बात अपने एक वीलॉग में पहले भी कही थी कि वो अब वजारत इतलात किसी भी चाहे सूबे की हो चाहे विफाक की हो वो नहीं लेंगी। मरियम औरंगजेब साहिबा जो है वो किसी किस्म की वो बड़ी कोई इंपॉर्टेंट वैसे भी हैं, जब हम नून लीग के जो हायर सर्कल्स हैं उनकी बात करते हैं, और अभी भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर होंगी। कोई स्पेशल सीनियर मिनिस्टर की तरह का कोई ओहदा जो है उनके पास होगा, दो तीन इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज का चार्ज उनके पास होगा, लेकिन इतलात उनमें से एक नहीं है। अजमा बुखारी जो है उनका नाम आ रहा है कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो अजमा बुखारी होंगी। अब पोर्टफोलियोज तो कोई उस तरह से तय नहीं है कि किसके पास क्या होगा, लेकिन बड़ा सरप्राइजिंग है कि बिलाल कियानी साहब जिन्होंने कौमी असम्बली से की नशस्त जेलम से जीती है, मैं उनके हलके में भी गई थी, बल्कि मैंने प्रेडिक्शन भी दी थी अपने व्लॉग पे कि वो स्टेबल हैं अपने हलके के अंदर, वहाँ से वो नशस्त लेने में कामयाब हो जाएंगे। हुए भी वो भी मरियम और नवाज शरीफ साहिबा के एडवाइज़र होंगे, और वो जो जो वो है ना जो ऑपरेशनल साइड है गवर्नमेंट की वो पंजाब की देखेंगे, यहाँ सेंटर में हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि पहले ये खबर चल रही थी कि शायद वो विफाक में वज़ीर इत्तला'आत हो सकते हैं, लेकिन अब ये कन्फर्म हो गया है कि वो मरियम साहिबा के साथ एडवाइज़र होंगे। आशिक किरवानी साहब अच्छा बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने वाले एक यंग MNA मल्टीपल टाइम्स मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का इत्तेफाक हुआ, फिर हमने देखा कि वो बिल्कुल गायब हो गए, लेकिन ये बात हमें कहीं ना कहीं पता लगती रहती थी कि मरियम साहिबा की कोर टीम का वो बहरहाल हिस्सा है, और इस दफ़ा भी यही हुआ है कि वो उनको अपनी काबीना में ले रही हैं। आशिक किरमानी साहब को एक तवाना आवाज़ है, मैं तो ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि मुझे हमेशा उनका अंदाज़ा गुफ्तगू बड़ा अच्छा लगा, मुझे हमेशा लगा वो लॉजिकल बात करते हैं, तो वो कैबिनेट का हिस्सा होंगे। परवेज रशीद साहब अब कुछ जगह पर ये भी एक रूमर चल रहा है कि वो सेनेट में आएंगे इस दफ़ा, और उसके बाद वो दोबारा वजारत इत्तला'आत संभाल सकते हैं मरकज़ के अंदर, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पूरी पंजाब गवर्नमेंट कैसे चलानी है, मरियम बीबी जो है वो मेरा ख्याल है उनसे ज़्यादा शायद ही किसी पर ट्रस्ट करती हूँ, और वो उनकी एडवाइस के बगैर कुछ नहीं करती। अभी भी जितनी मीटिंग्स हुई हैं हमने देखा है कि वो फर्स्ट सीट के ऊपर मरियम बीबी के साथ बैठे हुए हैं, और मरियम साहिबा को बड़े पर्टिकुलर रिगार्ड है परवेज रशीद साहब के लिए। तो मेरी जो खबर है वो यही है कि परवेज रशीद साहब जो है सेंटर में कोई अहम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वो विफाक को ही जो है वो देखेंगे। तलाल चौधरी साहब भी जो है वो पहले था कि शायद सेनेट में आएंगे और फिर विफाक के अंदर कोई जिम्मेदारी लेंगे, लेकिन तलाल चौधरी साहब का भी अब यही है कि वो एज एडवाइज़र मरीम नवाज शरीफ साहिबा के साथ काम करेंगे। राना एहसान अफजल साहब का भी नाम आ रहा है कि देर इज़ अ गुड चांस वो एडवाइज़र की कैपेसिटी में आएंगे, सेंटर में भी आ सकते हैं, लेकिन देर इज़ अ गुड चांस कि मरियम बीबी के साथ पंजाब में ही बैठना पसंद करेंगे। और ये जो बड़ी ही शॉकिंग खबर चल रही है वो ये चल रही है कि इसहाक डार साहब जो हैं वो सेंटर में विफाकी वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे, बल्कि वेरी हाईली लाइकली कि वो अब पंजाब के अंदर मैटर्स को देखेंगे। मरियम बीबी के प्राइम जो बेसिक मेन एडवाइज़र्स हैं उनके अंदर इसहाक डार साहब जो हैं वो शामिल होंगे, और वो अब सेंटर में एज फाइनेंस मिनिस्टर हमें नज़र नहीं आएंगे। और उसको लेकर खबर यह है कि देर इज़ अ गुड चांस अगैन कि डॉक्टर शमशाद जो हैं शमशाद अख्तर साहब वही कंटिन्यू करेंगी विफाक में एज एडवाइज़र ऑन फाइनेंस जो भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ, और उनके साथ एक स्टेट मिनिस्टर जो है वो किसी को लगा दिया जाएगा। एहसन इकबाल साहब का नाम भी चल रहा है कि हो सकता है कि खजाना उनके पास हो, बट ये भी खबर है कि शायद उनकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री लेना। सो आई थिंक वो वी विल हैव टू सी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री के लिए, जहाँ पहले बिलाल कियानी साहब का नाम आ रहा था वहीं पर अब अता तारड़ साहब का नाम आ रहा है कि वो नेक्स्ट पॉसिबल फेवरेट हैं जो ये वाला जो उदाहरण लेने के लिए वजारत लेने के लिए। और जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि अता तारड़ साहब खुद इंटरेस्टेड नहीं है फेडरल मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंदर, लेकिन पार्टी जो है वो इन्हीं लाइंस के ऊपर सोच रही है, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब के भी करीब समझे जाते हैं, वो उन फेसेस में से हैं जो कि अजमा बुखारी साहिबा की तरह बहुत हमें टॉक शोज पे भी नज़र आते हैं, जो पार्टी को डिफेंड करने के लिए जहाँ पहला मौका मिलता है वो उस मौके को उठा लेते हैं और उस पर फिर वो रिएक्ट करते हैं, अपना रिस्पॉन्स देते हैं। तो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अता तारड़ साहब जो है वो हमें इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री में नज़र आएंगे। तो लेट्स सी, एक बड़ी ही और जो इंपॉर्टेंट खबर मैं पहले भी दे चुकी हूँ, मैं आई स्टिल स्टैंड बाय इट, और मैं उसको फिर रिट्रेट भी कर दूँ, क्योंकि कल एक पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है इस्लामाबाद के अंदर नून लीग की, जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की खबर है कि वो शिरकत के लिए इस्लामाबाद तशरीफ लाएंगे, लेकिन वो कल ही शाम को वापस चले जाएंगे, और उनका परसों इस्लामाबाद आने का कोई इरादा नहीं है राय के मुताबिक। यानी कि जो नशस्त कौमी असम्बली की लाहौर से वो जीते हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी क्लेम कर रही है, बट वो जीते हैं, नोटिफिकेशन उनके हक में हो गया, वो उस नशिस्त पर एज मेंबर नेशनल असेंबली ओथ लेने नहीं आएंगे
जुमेरात के रोज़ यानी 29 फरवरी के रोज़, और वो ओथ नहीं लेंगे। और अभी भी यही पॉसिबिलिटी है कि सारी एक दफ़ा गवर्नमेंट्स चल पड़ेंगी तो मियाँ साहब माइट ऑल्सो फ्लाई आउट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान में नहीं रुकेंगे। अब इसके अंदर दोनों बातें, या तो वो अपनी वो नशिस्त छोड़ देंगे, या फिर वो जो एक मॉडल है कि चौधरी निसार साहब ने भी सीट जीत ली थी, ओथ नहीं लिया सालों सालों, डार साहब भी सेनेट में आ गए थे, ओथ उन्होंने 2 साल बाद 1.5 साल बाद लिया। सो कोई उसी तरह के मॉडल के ऊपर ये भी हो सकता है कि उस नशिस्त को रखी रखेंगे मगर उसका ओथ नहीं लेंगे, अगर उन्हें लगा कि कभी कोई राइट टाइम है, ज़रूरत पड़ने पर ओथ ले सकते हैं। अभी जो है वो शायद वो उस पर हल्फ नहीं लेंगे। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।